नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि मार्च 2021 में जीएसटी के रूप में सरकार को रिकॉर्ड 1,23,000 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो कि देश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन है। मंत्रालय ने आगे कहा कि ये रकम पिछले साल मार्च के महीने में मिले जीएसटी कलेक्शन से 27% ज्यादा है। मंत्रालय के मुताबिक इस महीने माल के आयात से जो राजस्व हासिल हुआ है वो पिछले साल इसी महीने में राजस्व से 70% ज्यादा है, जबकि घरेलू लेन देन से जो राजस्व कलेक्शन हुआ है वो पिछले साल के मार्च महीने के मुकाबले 17% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि मार्च 2021 में कुल 1,23,902 करोड़ का राजस्व हासिल हुआ, जिसमें 22,973 करोड़ CGST से और 29,329 करोड़ SGST से, साथ ही 62,842 करोड़ IGST से और 8,757 करोड़ सेस से हासिल हुआ है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2019-20 के 12 महीने में से 9 महीने में GST राजस्व 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना महामारी की वजह से राजस्व में गिरावट आई है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 6 महीनों में GST राजस्व के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हासिल हुए, जो कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। इस वित्तीय वर्ष की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में पिछले साल इसी समय की तुलना में GST राजस्व की बढ़ोतरी दर -41%, -8%, 8% और 14% रही, जो कि साफ तौर पर GST संग्रह और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।